हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइज, ये जो मेरी ब्लॉग की स्टार्ट हो रही है मॉर्निंग से, और आप सोच रहे होंगे ये बाल्टी क्यों रखी थी रूम में। तो मैं आपको बताऊँ कि अनमोल को जब खांसी उठती है ना रात में, तो इतनी तेज़ उठती है कि उसको ना वॉमिटिंग हो जाती है। तो ये काम की बाल्टी नहीं है, यूजफुल नहीं है। मतलब ऐसे ही जैसे हम कोई फंक्शन वगैरह करते हैं ना, तो काम आ जाती है कूड़ा वूड़ा डालने के लिए। तो मैं इस बाल्टी को धोकर वॉश करके रख दिया था, ताकि फिर परेशानी ना हो। और यहाँ पे देखिए, मैं शाम सुबह की मॉर्निंग वाली झाड़ू लगा रही हूँ। अभी सब सो रहे हैं, मतलब मेरी झाड़ू लगाने के बाद ना फिर सब उठ जाते हैं। और दिव्यांशी थोड़ा सा सोती रहती है। अगर उसको ना बीच बीच में थपथपी लगाते रहो तो दिव्यांशी आराम से सोती रहती है, अगर उसको भूख ना लगी हो तो। और अनमोल तुरंत उठ जाता है। अनमोल को एकदम चाय चाहिए, क्योंकि अब उसे ना चाय की आदत कुछ ज़्यादा ही हो गई है, क्योंकि बीमारी उसको इतना घेर लिया था, खांसी जुकाम फीवर, और उसने उसकी आईज़ भी एक बार आ गई थी। तो बस उसको बहाना मिल गया, क्योंकि हम लोग अब दूध नहीं देते, दूध में चिकनाई होती है। तो अब तो वो 10 दिन से चाय ले रहा है, तो अब थोड़ा सा उसको फ़ायदा है। तो यहाँ देखिए, सुबह सुबह ना मैंने पहले पानी चढ़ा दिया था, और दूसरे में मैंने चाय बनने रख दिया है, क्योंकि मुझे भी ना ठंड चाहिए। क्योंकि ऑपरेशन से ना शरीर में थोड़ा सा देखिए वीकनेस तो नहीं है मुझे, सही बताऊँ तो मैं सब कुछ कर लेती हूँ, लेकिन पता नहीं आदत सी हो गई है। सुबह सुबह ना ठंड सी लगती है, और फिर अचानक से गर्मी लगेगी पता नहीं। तो यहाँ देखिए, मैं बैठ के आराम से पानी पी रही हूँ, क्योंकि मैं पहले ना खड़े होकर पीती थी। तो मुझे किसी ने बताया था कि देखिए खड़े होकर पानी नहीं पीते हैं, और मतलब कुछ भी नहीं खाना चाहिए, खड़े होकर बैठ के पीना चाहिए। लोली ली लोली देख, कमर नहीं ओढ़ती है। हाँ और ये महाराज देखो, यहाँ पे पता नहीं क्या रख देता है, और ये मुझे ना चुपचाप से उस चीज़ को लेके जाएगा। ये जो कपड़ों में जो नए कार्ड वगैरह होते हैं ना, उनको छुड़ा छुड़ा के, हमारे उनको बहुत शौक है। और ये देख रहा था कि कैमरा चल रहा है, मम्मी ने मुझे देख लिया, मुझे डांटेगी। हमेशा कपड़ों में से इस तरह से फाड़ लेता है, एक कार्ड वगैरह कुछ भी लगे होते हैं ना, फाड़ लेगा। तो यहाँ ना मैं ऊपर ड्रेसिंग टेबल के साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि 15 दिन में या हफ्ता भर में मैं देखो कर ही देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ करने से ठीक है अच्छा कि आप मैडम एक को, सम कर दो। क्योंकि हम सोच रहे थे कि मैं परांठे बना लेती हूँ बच्चों की नाश्ते के लिए, क्योंकि सब्जी बच रही थी कल की, तो फिर ना उसे मैं वेस्ट नहीं करूँगी। मैं सोचती हूँ परांठे बना लेती हूँ, वैसे तो वेस्ट में ही जाती थी, अगर बच जाती है तो। अब मैंने, मेरी मम्मी ने बताया कि ऐसे वेस्ट करके मत फेंका करो, और अच्छी बात भी नहीं होती अन्न को फेंकना। तो अब मैं उसके पराठे बनाऊँगी, ठीक है। मम्मा तो रही है हाँ मम्मी। हजी ले। हाँ, यहाँ पे बना रही हूँ मैं सब्जी जो थी उसके पराठे बना रही हूँ, आलू की, मटर की, गाजर की, ये सब्जी थी। अच्छा, मैं बनाने तो लग गई थी, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम सब्जी के पराठे बनाए थे। ऐसे एक बच जाती थी ना, तो गाय वगैरह को दे दिया या कहीं और दे दिया, मतलब इस तरह से कर लेती थी। लेकिन मैंने ऐसे कभी यूज नहीं किया है, सच में बताऊँ तो। आज पहली बार कर रही थी, तो बहुत ही आराम आराम से उसको बेलना पड़ रहा था, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्राई किया। लेकिन मतलब जैसे भी बने थे, टूटे फटके मतलब निकले। देखो, अच्छी चीज़ आपको दिखाते हैं हम, तो बुरी चीज़ भी दिखाएंगे ना। मतलब ये थोड़ी है, हर काम में हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता है। तो मेरे से सब्जी निकल निकल के भाग रही थी, जबकि मैंने उस सब्जी को अच्छे से मैश भी कर लिया था, लेकिन जो एक दो आलू था ना, वो उसमें मोटा मोटा रह गया था, जिस कारण। तो इस तरह से चटपट करने की किसको आदत है। तो ये देखिए, पराठे मेरे कुछ इस तरह से बन रहे थे, खाने में काफ़ी यम्मी थे। मेरे नहा के बैठ गए हैं, अनमोल फ़ोन देखेगा थोड़ा सा बीच में, उसे देखो, और आरू सो गई है मेरी बच्ची, और अनमोल फ़ोन देखेगा थोड़ी देर, है ना। अपना जो ब्लॉग था ना, वो सुबह से स्टार्ट किया था, सोचा था आपको पूरी अपनी दिनचर्या दिखाएंगे, वैसे तो रोज़ ही दिखाते हैं। तो मेरे को ना बीच में ही इतना तेज़ फीवर चढ़ा, अभी भी चढ़ रहा है, और देखिए ब्लॉगिंग कंटिन्यू है, क्योंकि बच्चों बच्चे हैं, बच्चों के लिए सब कुछ देखिए करना पड़ता है। रात में ना एक तो कई बार उठना पड़ता है,
मैं नहीं उठती पर हस्बैंड उठते, लेकिन इसको बैठ के फिर दूध मैं ही पिलाती हूँ, तो वो भी असर होता है। और फिर कोल्ड था इतने दिन से, और ना सिर इतना भारी भारी हो रहा है कि ऐसा मन कर रहा है कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो ना, तो कंबल ओढ़ के सो जाऊँ। पर यार हम लोगों को ना करना ही पड़ता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड मेरा इतना सपोर्ट करते हैं ना, शायद ही कोई करता होगा सच बताऊँ तो। उसके बाद भी पापा सुनो, पापा और भैया ना डॉक्टर के पास गए, चुपचाप पड़ी रहे ना, मैं भैया के लिए पापा के लिए पराठे चाय बना रही हूँ। बिल्कुल रोई रोई नहीं करना, हाँ बिल्कुल नहीं करना, लोई लोई बिल्कुल नहीं करना। और यहाँ बस बच्चे के बच्चों में आने में और 5 मिनट का बाकी है, तो मैंने सोचा कि मैं चाय बना देती हूँ और जल्दी से पराठे बना देती हूँ, क्योंकि 5 मिनट में फिर ना जल्दी जल्दी बन जाएगा। 5 मिनट उनके लिए 2 मिनट की बराबर होती है, फट से आ जाएंगे। तो बस आलू को मैं सुला के क्या, वो जगह पड़ी थी खेल रही थी, बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत ही अच्छी है। चाय मैंने बना दी है, बस आने वाले हैं। और ये थोड़ा सा रोने लग गई थी, क्योंकि ठंड का मौसम है ना, बच्चे फिर ज़्यादा देर अकेले नहीं रहते, वैसे तो बिल्कुल परेशानी करती है। और आलू मतलब बहुत समझदार है, मैं ना मैं सोच रही हूँ मेरे से जितनी दूर रहे उतना ही अच्छा है, क्योंकि अभी तो मेरा फीवर उतर गया, मैंने टैबलेट ले ली, मैंने हस्बैंड को भी नहीं बताया, क्योंकि मैं इतनी अंदर मेरे अंदर इतनी पावर है, सही बताऊँ ना आपको, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। और मुझे ज़्यादा फील भी नहीं होता, क्योंकि आप अपने शरीर को जितना मरा हुआ बनाएंगे ना, उतना फिर मरा हुआ ही रहेगा। तो औरत को ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव की आवश्यकता होती है। हाँ वो चीज़ें अलग होती है कि ज़्यादा कंडीशन बिगड़ रही है तो कोई नहीं, लेकिन छोटे मोटे बुखार को मैं कभी भी नहीं पूछा है, कभी भी नहीं। आते हैं और चले जाते हैं अपने घर। घर में कितना दवाइयों का भंडार लग गया है। आज भी अनमोल की हमने दवाई चेंज करवाई ताकि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और यहाँ पे देखो बच्चों को मैं सुलाऊंगी, अपना कंबल लेके जाती हूँ, सोने के लिए बोलती हूँ। 10 बज गए, 10 बज रहे हैं, हस्बैंड भी बस आने वाले, खाना वाना खा के चले गए थे। पास में ना दीदी के घर रामायण हो रही है, तो उनको बहुत शौक है इस चीज़ का करने का, तो बस वो ही पढ़ने के लिए वो गए, आ जाएंगे, बाहर से कुंडी लगा गए, हम लोग सो जाते हैं, नींद तो नहीं आएगी क्योंकि मुझे फीवर है। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, शेयर कर देना, वीडियो को बहुत सारा प्यार देना। बाय बाय, गुड नाइट।